गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे इस नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में हम आज जो है एसर्शन और रीजनिंग के कुछ एमसीक्यूज करेंगे। और जो टॉपिक है हमारा बेटा वो रहेगा रिवॉल्यूशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में जो है कुछ हम assertion और reasoning के MCQs करेंगे। और जो टॉपिक है वो है हमारा revaluation of assets and reassessment of liabilities, और ये सेकंड पार्ट है। तो आप इस सेकंड पार्ट को देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है जो आपका ऊपर ये लिंक दिया हुआ है ये आपका पहले पार्ट का लिंक है। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं। और ये फर्स्ट पार्ट का ही सेकंड पार्ट है, मतलब जहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ चीज़ें सीखी हैं, अब हम आगे उसके फर्दर जो है कुछ टॉपिक्स लेके चल रहे हैं। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले भी बताया बेटा कि जब भी हम हमारा जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन और पार्टनरशिप फॉर्म का कंसेप्ट आता है तो उस समय जो है असेट्स और लायबिलिटीज़ की जो है रिवॉल्यूशन की जाती है। और बेसिकली क्या होता है कि कुछ असेट्स की वैल्यू बढ़ सकती हैं, कुछ असेट्स की वैल्यू कम हो सकती है, कुछ की एज इट इज़ रह सकती हैं, कुछ अनरिकॉर्डेड असेट्स होती हैं तो सिंपल उनको रिकॉर्ड कर दिया जाता है। ऐसी लायबिलिटीज़ की वैल्यूज जो हैं, कुछ लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ सकती हैं, कुछ लायबिलिटीज़ की वैल्यू कम हो सकती हैं, कुछ की वैल्यू एज इट इज़ रह सकती है, कुछ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ का भी हमें पता चल सकता है तो हम सिंपल उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो फायदा होता है, असेट्स की वैल्यू कम होती है तो नुकसान होता है। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स है उसे रिकॉर्ड करोगे तो असेट्स बढ़ेंगी तो फायदा होगा। जबकि नुकसान की बात आती है तो जब हमारी लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ती हैं तो नुकसान होता है, लेकिन अगर लायबिलिटीज़ की वैल्यू कम हो जाती है तो वो हमारे लिए फ़ायदा है। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ है आप उसे रिकॉर्ड कर देते हैं तो लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो वो नुकसान है। तो अभी हम जो है इस पार्ट में जो अभी हमारा सेकंड पार्ट है इसमें अभी हम उन ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे हैं जिससे हमें फ़ायदा होता है या गेन होता है। और फ़ायदा देखिए कब होता है, जब आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। और इसके लिए मैंने आपका पार्ट वन में जो है पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। और आज हम जो शुरू करेंगे तो वो है आपका लायबिलिटीज जब आपकी डिक्रीज होती है तो फायदा होता है, या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स होती है तो आप उसे रिकॉर्ड करते हैं तो वो फायदा होता है। तो अभी हम गेन की बात कर रहे हैं तो गेन के हिसाब से जो है ये आपका वीडियो बनाया गया। तो हम जो है अब आज जो शुरू कर रहे हैं वो है आपका जब किसी लायबिलिटीज की वैल्यू घट जाती है। तो जहां तक इसकी जर्नल एंट्री की बात है बेटा, तो जर्नल एंट्री जो होती है हमारी वो होती है लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट और टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जहां तक इस एंट्री की बात है बेटा, इसमें सबसे पहले जो है आपको जो ध्यान रखना है वो लायबिलिटीज का रूल ध्यान रखना है। लायबिलिटीज कब घटती हैं, जब उनको डेबिट किया जाता है, और कब बढ़ती हैं, जब उनको क्रेडिट किया जाता है। तो पहली बात है कि लायबिलिटीज घट रही हैं तो इसलिए ये एंट्री में डेबिट होंगी। अब लायबिलिटीज घटेंगी तो वो फायदा है या वो गेन है हमारे लिए, और उस गेन को फिर हम किसमें रिकॉर्ड करते हैं, रिवॉल्यूशन अकाउंट में। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था पहले वीडियो में कि रिवॉल्यूशन अकाउंट हमारा एक नॉमिनल अकाउंट होता है, और इसके लिए आप सिंपल ध्यान रखिए कि जब भी गेन होता है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट होता है, और जब भी नुकसान होता है या लॉस होता है तो उसके लिए रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट होता है। तो जहां तक अभी ये हमारी एंट्री की बात है तो इसमें जो है लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, और रिवॉल्यूशन अकाउंट का दूसरा नाम भी होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये जो आपको एंट्री है ये ध्यान रखनी है। अब जहां तक इसके इफेक्ट्स की बात है तो देखिए सीधी सी बात है कि अगर हम इसको रिवॉल्यूशन अकाउंट में दिखाना चाहते हैं तो ये फायदा है, और जो भी फायदा या गेन होता है बेटा ये ध्यान रखना है कि वो रिवॉल्यूशन अकाउंट की क्रेडिट में आता है, ठीक है। तो इसलिए इसे जो है रिवॉल्यूशन अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं। तो अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो इस एग्जांपल में देखिए बैलेंस शीट में जो है हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं 22,000 के, ये हमारा लायबिलिटी साइड पे है। और नीचे जो हमें एडजस्टमेंट दे रखी है
वो आपको इस तरीके से दे सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर रिवैल्यूड एट ₹20,000। अब यहाँ पर बेटा एडवर्ड को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और करके वो इसको ऐसे भी कह सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर ब्रॉट डाउन टू ₹20,000। यहाँ पे टू वर्ड को भी ध्यान रखना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर ब्रॉट डाउन बाई ₹2,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जो वैल्यू है वो 2,000 से कम होगी, तो यहाँ बाई वर्ड को ध्यान रखना है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर ओवर वैल्यूड बाई 10%। तो देखिए अब इसके अंदर जो है, जो हमारी एडजस्टमेंट है, उसमें पहले तो आपको कुछ पॉइंट्स जो है क्लियर करने कि यहाँ पर हमने कुछ वर्ड्स यूज करें, जैसे एट है, टू है या बाई है। तो थोड़ा सा मैं इसको एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, वैसे हमने ये पिछली वीडियो में सारी डिटेल्स बताई थी। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एट और टू की बात आती है, तो एट और टू के साथ हमेशा नई वैल्यू होती है आपकी, और उस नई वैल्यू का जो कंपैरिजन है वो बुक वैल्यू से करना होता है। मतलब जो पुरानी वैल्यू है आपके ऊपर बैलेंस शीट में दे रखी है, ठीक है, उसके साथ अब उसका कंपैरिजन करते हैं, फिर आपको डिसाइड करना होता है कि ये गेन है या ये लॉस है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर एट के साथ देख रहे हैं 20,000 है, ठीक है, टू के साथ भी 20,000 है, तो ये नई वैल्यू है। जबकि ऊपर अगर हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की वैल्यू देखते हैं तो वो कितनी है आपकी, 22,000। तो अब 22,000 के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, मतलब वो हमारी लाइबिलिटीज है, लेकिन अब उनकी वैल्यू कितनी होगी, 20,000। तो यहाँ पर आपको देखना है कि लाइबिलिटीज घट रही है, ठीक है, पहले 22,000 थी बट अब 20,000 रह गई है, तो ये घट रही है। और कितने से घट रही है, 2,000 से। तो हमें जो फायदा होगा, क्योंकि लाइबिलिटीज घटती है तो क्या होता है, फायदा होता है, ठीक है, तो जो फायदा होगा वो हमें 2,000 का होगा। इसी को बाई वर्ड के साथ भी लिखा जा सकता है, तो जब बाई वर्ड आता है तो एग्जैक्ट ये वही वैल्यू होती है, जितने से वैल्यू बढ़ रही है या जितने से घट रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ब्रॉट डाउन, मतलब जो वैल्यू है वो कम हो रही है, और कितने से कम हो रही है, 2,000 से। तो मतलब फायदा हमारा कितने से होगा, 2,000 से होगा। अब वहीं पर जो है एक यहाँ पे एक स्टेटमेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर एमसीक्यू भी बन जाता है और इवन बोर्ड में भी पूछा जा चुका है। वो क्या है कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उसकी जो वैल्यू है वो ओवर वैल्यूड हो गई 10% से ज्यादा। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी ट्रिक है, पहले तो ओवर वैल्यूड का मतलब है कि ज्यादा वैल्यूएशन लगा दी, मतलब उन्हीं कम चाहिए थी ज्यादा लगा दी, तो एक तरीके की ये एरर है, ठीक है। अब 10% की बात आती है तो जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 10% कितना होगा आप मुझे बताइए। चलो मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, आप कैलकुलेट करिए और मुझे बताइए कि भाई 10% कितना होगा। तो 10% आपके अकॉर्डिंग अगर 2,200 आ रहा है, क्योंकि 22,000 दे रखा है बेटा, 22,000 का 10% निकालेंगे वो बनेगा 2,200। तो अभी आप ऊपर वैल्यूज देखिए जो मैंने इसमें दे रखे, वो सिर्फ 2,000 है और यहाँ पे 10% निकालते हैं तो वो तो 2,200 नजर आ रहा है। तो बेटा ये कॉमन मिस्टेक होती है, जब भी इस तरीके से ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड के साथ परसेंटेज दे रखी होती है तो उस स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझना है। पहले मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है इसका पहले कैलकुलेशन बताता हूँ कि हमारे जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे वो एक्चुअल में 20,000 के थे। अब जरा ध्यान से समझना, 20,000 के थे, हमने क्या करा, 10% उसका निकाला, 20,000 का 10% निकालोगे बेटा तो वो बनेगा ₹2,000, ठीक है। और वो गलती से क्या कर दिया हमने, जोड़ दिए किसमें, 20,000 में जोड़ दिए। तो अब यहाँ पर वो आपको जो वैल्यू बता रहा है ऊपर बुक में वो तो है 22,000, मतलब जोड़ने के बाद तो वो 22,000 बन गए, ठीक है, और 22,000 आपको ऊपर दे दिए। अब वो ये कह रहा है कि गलती से 10% वैल्यू ज्यादा लगा दी, ओवर वैल्यूड, वर्डिंग के ऊपर जरा ध्यान जाना, ओवर वैल्यूड बाय 10%। तो अब वही बात आती है कि जब हम 22,000 का 10% निकालते हैं वो तो 2,200 निकल रहे हैं, लेकिन जबकि रियलिटी में वो कितना है, 2,000 है, क्योंकि 20,000 का 10% 2,000 बनता है। तो अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, इसकी कैलकुलेशन के लिए बेटा बस सिंपल ध्यान रखना कि जितनी भी परसेंटेज, जब भी इस तरीके से ओवर वैल्यूड कोई भी आती है वैल्यू, तो जितनी भी परसेंटेज है उतनी 100 में नीचे जोड़नी होगी आपको, ठीक है। मतलब यहाँ पे 10% है तो 10/100 नहीं करना, आपको क्या करना है, 10/110। तो मतलब 100 के अंदर उतनी परसेंटेज और जोड़नी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कैलकुलेशन करके देखिए, 22,000 into 10/110, तो देखिए अब हमारा आंसर क्या आ रहा है,
आ गया ना 2000, तो ये ट्रिक है बेटा। यहाँ पे ज्यादातर बच्चे जो है इस चीज को गलत कर जाते हैं, तो थोड़ा सा आप प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की वैल्यू जो है वो 2000 से कम करनी है, तो ये हमारे लिए फायदा है। तो जहां तक इसकी जर्नल एंट्री की बात होगी बेटा, तो अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस घट रहे हैं, ठीक है, लाइबिलिटीज घट रही है, तो लाइबिलिटीज घटती है तो उसको क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। तो अब वही बात है, लाइबिलिटीज घटेंगी तो फायदा होगा, और फायदा फिर हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, रिवॉल्यूशन अकाउंट में। तो फायदे के लिए या गेन के लिए रिवॉल्यूशन अकाउंट को क्या करा जाता है, क्रेडिट। तो वो जो रूल है बेटा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, वही रूल रिवॉल्यूशन अकाउंट के ऊपर आप लगा दीजिए, तो आपकी एंट्री बन जाएगी। तो एंट्री हमारी क्या बनी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, और या रिवॉल्यूशन अकाउंट का बेटा दूसरा नाम भी दे सकता है, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और जो अमाउंट रहेगा बेटा यहाँ पे 2000 रहेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये एंट्री जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एंट्री का जो है आपको ध्यान रखना है। और जहां तक इसके इफेक्ट्स की बात है बेटा, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे शो किया जाएगा, ठीक है, अगर आप लेजर पोस्टिंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी। और वैसे भी आप ध्यान रख सकते हैं कि ऐसी ट्रांजेक्शन जिससे गेन होता है या फायदा होता है वो आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आती है। तो लायबिलिटीज की वैल्यू घट रही है तो वो क्रेडिट पे आएगा, ठीक है। जहां तक हमारी बैलेंस शीट की बात है बेटा, तो उसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है नई वैल्यू से दिखाए जाएंगे, वो है आपके 20,000, ठीक है। तो ये जो हमारा एग्जांपल था बेटा, इसमें जो है अब इसी के बेसिस पे जितना अभी तक हमने पढ़ा है, अब हमारे कुछ एमसीक्यूज बनते हैं, तो चलिए एमसीक्यूज देखते हैं। तो जो पहला बेटा हमारा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड। हमारे सामने चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, ऑप्शन नंबर डी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, ऑप्शन नंबर डी नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। चलिए ठीक है, अब आप थोड़ा सा टाइम लीजिए और आप बताइए कि इसमें कौन सा आंसर है, वो आप सोच के रखिए, मैं थोड़ी देर में आपसे इस एमसीक्यू को डिस्कस करता हूँ। ठीक है बेटा, तो अब आपने कोई ना कोई आंसर तो सोच लिया होगा। तो पहले तो जो क्वेश्चन है बेटा उसी के ऊपर आपको ध्यान देना है, वो ये कह रहे हैं कि कौन से केसेस में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, क्रेडिटेड वर्ड है, ठीक है, क्रेडिटेड का मतलब गेन की बात कर रहा है। तो जब रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करने की बात आती है तो बेटा गेन कब होता है, पहले तो आप ऐसे ध्यान रखिए, जब असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो गेन होता है, जब लायबिलिटीज की वैल्यू घटती है तो गेन होता है, कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स होती है रिकॉर्ड करोगे तो असेट्स बढ़ेंगी तो गेन होगा। अब इन तीनों में से हमारे पास क्या है एमसीक्यू में, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो उसको देखते हुए बेटा अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें पहला ऑप्शन है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, तो मतलब ये पहला ही आंसर आपका बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है, कि अगर लायबिलिटीज की वैल्यू घटती है तो फायदा होता है, तो इसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। बाकी जो ऑप्शंस हैं बेटा वो थोड़ा सा वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, अगर लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ती है तो बेटा वो गेन नहीं होता, वो नुकसान होता है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, अगेन वही बात है, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो वो नुकसान है, वो नहीं आएगा। और अगर कोई लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही तो बेटा वो तो वैसे भी कहीं नहीं आएगा, ना गेन में ना लॉस में। तो इसका मतलब इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अब हम आते हैं सेकंड एमसीक्यू पर, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिजल्ट्स इन टू। ऑप्शन है ए गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ऑप्शन है बी लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ऑप्शन नंबर सी है नीदर गेन नॉर लॉस टू एग्जिस्टिंग पार्टनर, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। तो अब जहां तक बेटा इसमें वो हमसे पूछ रहा है वो ये कह रहा है कि अगर लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होती है ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बेटा कब कब होता है, जब आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर हो, जब आपका जो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो, जब आपका रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हो, या फिर आपका डेथ ऑफ अ पार्टनर हो, या एमलगमेशन ऑफ
टू और मोर फर्म्स हो, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म्स जब एमलगमेट होती है तब आपका जो है ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट आता है। तो यहाँ पर अभी तो मेन जो पॉइंट है वो ये है कि अगर वैल्यू जो है लाइबिलिटीज की वो घटती है तो उसका मेन रिजल्ट क्या होता है। तो सीधी सी बात है बेटा, जब लाइबिलिटीज की वैल्यू घटेगी तो वो हमारे लिए गेन होता है या फायदा होता है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये हमारा राइट आंसर है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू पर आते हैं। ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इज डेबिटेड टू। फर्स्ट ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, सेकेंड ऑप्शन है लायबिलिटी अकाउंट, थर्ड ऑप्शन है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फोर्थ ऑप्शन है बेटा नन ऑफ द अबव। तो अब आप इसका जो है आंसर सोच के रखिए, थोड़ी देर में मैं आपसे इसको डिस्कस करता हूँ। तो देखिए, जब भी इस तरीके से आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर लायबिलिटीज की वैल्यू घटती है तो किसे डेबिट करना है या किसे क्रेडिट करना है, कुछ भी इस तरीके से लिखा हो, तो सबसे पहले बेटा आपका जो कंसेप्ट रहेगा आप उसकी जर्नल एंट्री सोचिए। तो जहां तक जर्नल एंट्री की बात है, जब लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हमारी जो जर्नल एंट्री होती है वो होती है लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट या फिर टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इस एंट्री में बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो लायबिलिटी अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। अब आप क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इज डेबिटेड, यहाँ पे डेबिटेड वर्ड है। तो अगर आप एंट्री में ध्यान से देखें बेटा, एंट्री देखिए, तो इस एंट्री में डेबिट क्या हो रहा है, लायबिलिटी अकाउंट। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा बेटा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मतलब जो हमारा सेकंड ऑप्शन है बेटा वही इसका राइट आंसर होगा, लायबिलिटी अकाउंट। जल्दबाजी में आप बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं करेंगे, जो वर्डिंग है उसको आपने पकड़ना है, ठीक है, उसको समझना है, फिर आपने उसका आंसर देना है। तो हमेशा आप पहले जो है ना जर्नल एंट्री किया कीजिए, दिमाग में अगर आपके जर्नल एंट्री आ जाएगी तो आप उसका जो है आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं, उसमें कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। अब नेक्स्ट एमसीक्यू में आते हैं। ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इज क्रेडिटेड टू। तो हमारे सामने चार ऑप्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है हमारा लायबिलिटी अकाउंट, तीसरा ऑप्शन है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ बेटा, आप थोड़ा सा सोचिए, फिर इसके आंसर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेटा, आपने जो है इसमें आपने कुछ ना कुछ आंसर सोचा ही होगा। अगेन जो सबसे पहला स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, हम एंट्री सोचेंगे इसकी। तो जो जर्नल एंट्री बनती है, जब भी लायबिलिटीज की वैल्यू कम होती है तो जर्नल एंट्री होती है हमारी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और करके टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो अब इस एंट्री में जो आपको ध्यान देना है कि क्रेडिट क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में उसने क्रेडिटेड वर्ड लिखा है, तो क्रेडिट क्या हो रहा है बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसका दूसरा नाम भी होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इसलिए जहां तक हमारे आंसर की बात रहेगी, तो इसमें बेटा आंसर नंबर ए, मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यही हमारा जो है सही आंसर होगा, क्योंकि यही जो अकाउंट है ये क्रेडिट होता है एंट्री में। अब इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू पर आते हैं बेटा। इफ एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म देयर इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, इट विल बी डॉट 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 टू डॉट 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 अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स है बेटा, दो हैं इसके अंदर, और हमारे सामने ऑप्शंस उसने दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए डेबिटेड रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी क्रेडिटेड रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी डेबिटेड गुडविल, और ऑप्शन नंबर डी क्रेडिटेड पार्टनर्स कैपिटल। तो देखिए बेटा, जहां तक इस क्वेश्चन की बात है तो वो ये कह रहा है कि अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होता है और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, मतलब लायबिलिटीज की वैल्यू घटती है तो क्या होगा। तो देखिए, लायबिलिटीज की वैल्यू घटती है तो अब हमारे सामने ऑप्शन दे रखा है डेबिटेड रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब फर्स्ट ऑप्शन में तो वो ये कह रहा है कि डेबिट होगा और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा।
तो देखिए बेटा, पहले तो आपको यही समझना है कि जब भी इस तरीके से लायबिलिटीज की वैल्यू घटती है तो ये हमारे लिए फायदा होता है, और फायदा जो है हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको देखना है कि क्रेडिट जो है वर्ड कहाँ पर है और रिवैल्यूएशन कौन सा है, तो इसके हिसाब से जो है बेटा ऑप्शन नंबर बी है आपका, क्रेडिटेड और रिवैल्यूएशन। मतलब पहले फिल इन द ब्लैंक्स में तो बेटा आपका क्रेडिटेड आएगा और दूसरे वाले में आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि बाकी जो ऑप्शंस हैं बेटा वो कहीं मैच नहीं करते। जैसे पहले ऑप्शन की ही बात करें तो वो डेबिटेड कह रहा है और फिर रिवैल्यूएशन कह रहा है, तो सीधी सी बात है बेटा, जब गेन होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट नहीं किया जाता, उसको क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बाकी के ऑप्शन जो है बेटा वो सिर्फ ऐसे ही दे रखे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, क्रेडिटेड, और फिर दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में जो है रिवैल्यूएशन आएगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यू में आते हैं। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म इफ देयर इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इट विल बी टू लायबिलिटी अकाउंट। अब यहाँ पर जो है हमारे सामने बेटा चार ऑप्शन दे रखे हैं, डेबिटेड पहला ऑप्शन है हमारा, सेकेंड ऑप्शन है क्रेडिटेड, थर्ड हमारा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन ऑफ द अबव। तो जरा फिल इन द ब्लैंक्स है बेटा, जो लैंग्वेज है उस पर जरा ध्यान दीजिए कि अगर लायबिलिटीज की वैल्यू कम होती है तो ये क्या किया जाएगा, लायबिलिटीज अकाउंट को क्या करेंगे। तो देखिए फिर वही बात आती है बेटा, जब भी इस तरीके से आता है आपको जर्नल एंट्री दिमाग में लेकर आनी है। ठीक है, तो जो हमारी जर्नल एंट्री है वो क्या होती है बेटा, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और करके टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो लायबिलिटी अकाउंट को क्या करा जाता है, डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पर जब हमारे सामने चार ऑप्शन है तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ये हमारा सही आंसर है, तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में बेटा डेबिटेड वर्ड आएगा। ठीक है, क्योंकि लायबिलिटीज जब भी घटती है तो उनको डेबिट किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट एमसीक्यू पर आते हैं बेटा। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म इफ देयर इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इट विल बी डॉट 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 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हमारे सामने चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बेटा डेबिटेड, दूसरा वर्ड है आपका, दूसरा ऑप्शन है क्रेडिटेड, और तीसरा जो ऑप्शन है उसमें बोथ ए एंड बी, और जो डी ऑप्शन है बेटा नन ऑफ द अबव। तो जहां तक बेटा अब यहां पर जो हमारी लैंग्वेज है, ठीक है, उस पर आप ध्यान देंगे कि अगर लायबिलिटीज की वैल्यू घटती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं, यहाँ पे ये वो हमें बताना है। तो वही बात है बेटा, जो जर्नल एंट्री है जैसे मैंने आपको बताया है, जर्नल एंट्री होती है हमारी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा क्रेडिट हो रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिटेड। तो यहाँ पर जो है फिल इन द ब्लैंक्स में जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो आएगा आपका। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू पर आते हैं। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म इफ देयर इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इट विल बी डेबिटेड टू डॉट 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 अकाउंट। अब नीचे हमारे सामने चार ऑप्शन है, रिवैल्यूएशन पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है बेटा लायबिलिटी, तीसरा ऑप्शन है हमारा असेट्स, चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ अबव। तो अब इसमें जो है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है बेटा, अब इसके अंदर वो ये कह रहा है कि अगर लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाती है तो इट विल बी डेबिटेड टू, अब कौन से अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो आप अगेन बेटा वही एंट्री पे ध्यान दीजिए, लायबिलिटीज की जब भी वैल्यू कम होती है तो हमारी एंट्री क्या होती है, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे किसको डेबिट किया जा रहा है बेटा, लायबिलिटी को। तो इसलिए यहाँ पर मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, मतलब सेकेंड ऑप्शन है, ये हमारा जो है सही आंसर होगा, क्योंकि वो डेबिटेड वर्ड यूज कर रहा है, तो लायबिलिटी जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू में आते हैं बेटा। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म इफ देयर इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इट विल बी क्रेडिटेड टू डॉट 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 अकाउंट। पहला ऑप्शन है रिवैल्यूएशन, दूसरा ऑप्शन है लायबिलिटी, तीसरा ऑप्शन है असेट्स, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ अबव। तो देखिए अब बेटा इसमें भी स्टेटमेंट में वही बात आ रही है कि अगर वैल्यू कम होती है लायबिलिटी की तो कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, क्रेडिटेड वर्ड है तो इसलिए आपको ध्यान देना है। अगेन बेटा एंट्री आपको रिकॉल करनी है, दिमाग में लेकर आनी है एंट्री, जैसे मैंने आपको अभी भी बताई है कि लायबिलिटी अकाउंट डेबिट
रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हम लिखते हैं, तो इस एंट्री में जो क्रेडिट क्या हो रहा है बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस एमसीक्यू का जो बेटा आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, रिवैल्यूएशन। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बेटा वो राइट आंसर है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू में आते हैं बेटा, इसमें जो है हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। राम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब उसके साथ जो है वो आपको बैलेंस शीट दे रहा है बेटा, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रहा है 60,000। अब वो ये कह रहा है इफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन द बैलेंस शीट इज ओवर वैल्यूड बाय 20%, देन एट व्हाट वैल्यू विल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। अब आपके सामने चार ऑप्शन है बेटा। ऑप्शन नंबर वन जो है वो ₹72,000, ऑप्शन नंबर बी ₹48,000, ऑप्शन नंबर सी ₹50,000, ऑप्शन नंबर डी ₹40,000। तो बेटा अब थोड़ा सा टाइम आप लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क है, पहले आप आंसर निकाल के रखिए, तो मैं थोड़ी देर में आपसे ये डिस्कस करता हूँ। तो बेटा अब इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी ₹50,000। अब अगेन बेटा यहाँ पर ये आंसर कैसे आया, थोड़ा सा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बेटा पहले भी बताया कि एक ये वर्ड है ओवर वैल्यूड बाय 20%, ओवर वैल्यूड वर्ड आ रहा है और उसके साथ है परसेंटेज का साइन। अब ओवर वैल्यूड का मतलब गलती से ज्यादा कर दिया है, उसको कम करना है, तो आप उसको नेट इफेक्ट पे ही रखिए कि ओवर वैल्यूड का मतलब घटाना होता है, ऐसे आप ध्यान रखिए, मतलब जो हमें ट्रीटमेंट करनी है उसे घटाना है। लेकिन अब ये परसेंटेज में दे रखा है, तो इसके लिए आपको एक जो है फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या कि जितनी भी परसेंटेज आपको दे रखी है साथ में, जब भी आप परसेंटेज निकालेंगे तो 100 में बेटा उतने ही परसेंट और ऐड करेंगे, मतलब ओवर वैल्यूड के साथ। मेरी वर्डिंग पे ध्यान रखना, ओवर वैल्यूड कह रहा हूँ मैं, अंडर वैल्यूड नहीं, ओवर वैल्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको 100 में जो है प्लस करना है, ठीक है। तो मतलब जैसे आपका 20 है, 20% है, तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो बेटा 20/120 करेंगे, 20/100 नहीं लिखेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो इसलिए अब यहाँ पर जब हम 60,000 का 20% निकाल रहे हैं, तो 60,000 × 20/120 करेंगे तो ये आपका आएगा 10,000। तो इसका मतलब वो क्लियरली कह रहा है कि 10,000 से वैल्यू ज्यादा हो गई है, तो अब हमें इसे घटानी है। अब जब आप 10,000 घटाओगे तो बेटा नई वैल्यू जो है वो रह जाएगी 50,000, और नई वैल्यू से ही जो है बेटा वो बैलेंस शीट में शो करी जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही हुआ है कि इफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन द बैलेंस शीट इज ओवर वैल्यूड बाय 20%, देन एट व्हाट वैल्यू विल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो बैलेंस शीट में कितने से दिखाए जाएंगे, तो वो आंसर होगा बेटा आपका 50,000। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आप समझ जाइए, वर्डिंग्स को पकड़िए, ओवर वैल्यूड है उसके साथ परसेंटेज है, ठीक है। तो इसका मतलब ओवर वैल्यूड में हमेशा 100+ जो भी परसेंटेज है वो आपको उसमें जोड़नी पड़ेगी कैलकुलेशन में, और ओवर वैल्यूड में मतलब है आपको घटाना है, ठीक है। मतलब जब आप घटाने की बात करेंगे, नई वैल्यू पे पहुंचना है, तो जो 10,000 निकले थे बेटा वो 60,000 में से माइनस कर दिए, तो आपका 50,000 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं बेटा। राम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब ये उनकी बैलेंस शीट दे रखी है बेटा, जिसमें क्रेडिटर्स हैं 20,000 के, और नीचे अब इंफॉर्मेशन में कह रहे हैं दैट इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर इज एन आइटम ऑफ ₹1,000 व्हिच इज नॉट टू बी पेड एंड देयरफॉर हैज टू बी रिटर्न बैक, जर्नल एंट्री विल बी। तो अब यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं बेटा। ऑप्शन नंबर ए है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी में क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 21,000 से, ऑप्शन नंबर सी है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 1,000, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ अबव। तो पहले तो बेटा आपको ये समझना है कि यहाँ पे जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है उसमें वो क्लियर कह रहा है कि क्रेडिटर्स में 1,000 ऐसे मतलब आइटम शामिल हैं जिनकी हमें पेमेंट नहीं करनी, इसलिए हमें उसे कैंसिल करना है। तो मतलब क्रेडिटर्स घटाने, सिंपल वे में अगर हम बात करें तो 1,000 से क्रेडिटर्स घटाने।
तो अब आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री बेटा पहले सोचनी है, क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो रही है या लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है, तो ये हमारे लिए क्या होगा बेटा, गेन होगा। और वही बात है कि जब लायबिलिटीज की वैल्यू कम होती है, ठीक है, तो जो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी इस केस में वो क्या बनेगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो अब यहाँ पर क्रेडिटर 1000 से घट रहे हैं, तो बेटा एंट्री भी हमारी 1000 से होगी। तो अब उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है बेटा, ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। मतलब क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हो रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है 1000 से। तो ये हमारे कुछ एमसीक्यूज थे, ठीक है, जो हमने अभी अपने टॉपिक पर देखे कि लायबिलिटीज की वैल्यू कम होती है तो उसके एमसीक्यूज कैसे बन सकते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा असर्शन और रीजनिंग वाले एमसीक्यूज वाले पोर्शन पर। तो देखिए जो हमारा पहला एग्जांपल है बेटा, इसमें हमें असर्शन में एक स्टेटमेंट दे रखी है, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड विद डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। रीजन जो है बेटा हमें दिया गया है, बिकॉज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी रिजल्ट्स इन गेन टू द फर्म। और अब हमारे सामने जो है बेटा वही पांच ऑप्शंस हैं, ठीक है, और पांचों ऑप्शन में सबसे पहले ऑप्शन में तो वो यही कह रहे हैं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ऑप्शन नंबर बी में कह रहे हैं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ऑप्शन नंबर सी में द असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। और डी ऑप्शन में बेटा द असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। और लास्ट में बेटा बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो देखिए बेटा इसमें जो आपका असर्शन वाला पार्ट है, पहले आप उस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। तो अगर लायबिलिटीज की वैल्यू कम होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो बेटा ये बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि हम जर्नल एंट्री, हमें पता है कि एंट्री होती है लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट वो क्रेडिट होता है, बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है, ठीक है। और अब ये क्यों क्रेडिट हो रहा है, तो रीजन बताया जा रहा है, बिकॉज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी रिजल्ट्स इन अ गेन टू द फर्म। और दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल बेटर ट्रू है, क्योंकि जब लायबिलिटीज की वैल्यू कम होती है तो वो हमारे लिए गेन होता है, वो हमारे लिए फायदा होता है। तो इसका मतलब असर्शन भी हमारा जो है पार्ट, जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, और उसका जो रीजन है वो भी ट्रू है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर ए होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए की दोनों के दोनों ही, मतलब assertion और reasons जो है वो true है, और जो R जो है वो correct explanation है assertion A की, क्योंकि यहाँ पर clearly उसने कहा है कि gain हो रहा है, तो gain होने की वजह से बेटा revaluation account credit होता है, बिल्कुल true है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं बेटा। assertion है, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज डेबिटेड विद डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। रीजन है, बिकॉज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी रिजल्ट्स इन अ गेन टू द फर्म। और हमारे सामने बेटा जो ऑप्शंस हैं वही पांच के पांच ऑप्शंस हैं। तो बेटा अब यहाँ पर आपको पहले फर्स्ट स्टेटमेंट पे ध्यान देना है, वो क्या कह रहा है कि जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज डेबिटेड विद डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। बहुत केयरफुली पढ़ना है, पहले तो ये समझिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एक्चुअल में रिवैल्यूएशन अकाउंट का ही दूसरा नाम है, और वो उसे कह रहे हैं कि उसे डेबिट किया जाता है जब लायबिलिटीज की वैल्यू कम होती है। तो बेटा यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है, क्यों, क्योंकि जब लायबिलिटीज की वैल्यू कम होती है तो वो गेन होता है, और गेन के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बेटा क्रेडिट होता है, डेबिट नहीं होता। तो ये वर्डिंग्स और डेबिट और क्रेडिट का जो गेम है, खेल है, ये बेटा आप समझ जाएंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या कह रहा है। तो यहाँ पर ये डेबिटेड कह रहा है तो ये गलत है, तो इसलिए पहला जो हमारा असर्शन है ये तो बेटा फॉल्स हो गया। अब रीजन की बात आती है, बिकॉज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी रिजल्ट्स इन अ गेन टू द फर्म। अब सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो बेटा ये बिल्कुल ट्रू है कि लायबिलिटीज की वैल्यू कम होती है तो वो जो है हमारे लिए गेन होता है फर्म के लिए, तो बिल्कुल ट्रू है। तो अब यहाँ पे असर्शन जो है, मतलब आपका जो है असर्शन तो फॉल्स है,
और रीजन जो है वो ट्रू है। तो अगर हम ऑप्शन वाइज जाते हैं तो बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर होगा। द असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट उस पे आते हैं बेटा। तो इसमें असर्शन जो है वो आपको कह रहे हैं, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज डेबिटेड विद डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, और रीजन कह रहे हैं बिकॉज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी रिजल्ट इन अ लॉस टू द फर्म। तो अगेन बेटा आप यहाँ पर पहली स्टेटमेंट देखते हैं, तो पहली स्टेटमेंट में वो यही कह रहा है कि जब भी आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट होता है विद द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। और अगेन बेटा यहाँ डेबिटेड वर्ड है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भी जब भी गेन होता है, ठीक है, मतलब लायबिलिटीज की वैल्यू कम होती है तो उससे गेन होता है, और गेन के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट, ठीक है। तो ये जो आपका डेबिटेड वर्ड लिखा हुआ है तो ये गलत है, तो इसका मतलब जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बेटा फॉल्स है। और दूसरा जो रीजन की या दूसरी स्टेटमेंट की बात कर रहा है तो उसमें वो कह रहा है कि लायबिलिटीज की वैल्यू अगर घटती है तो उससे फर्म को नुकसान होता है। तो बेटा यहाँ पे तो उल्टा ही बता रहा है वो, कहने का मतलब है जब लायबिलिटीज की वैल्यू कम होती है तो वो फायदा होता है, गेन होता है, नुकसान नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स है। तो दोनों ही स्टेटमेंट बेटा हमारी जो है फॉल्स है। तो इससे इसके बेसिस पे अगर बेटा हम आंसर देना चाहें तो इसका आंसर नंबर होगा ऑप्शन नंबर ई, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो इस तरीके से इसका जो आंसर बेटा ई बनेगा। अब नेक्स्ट पर आते हैं, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड विद डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी बाय ₹5,000, और फिर रीजन बता रहे हैं बिकॉज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी रिजल्ट्स इन अ गेन टू द फर्म। तो देखिए बेटा जब इस तरीके से आपके सामने दो स्टेटमेंट दे रखी हैं, तो पहली स्टेटमेंट में वो जो हमें एक बात कह रहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट किया जाता है विद द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी, यहाँ पर क्या है कि आपको अब खुद सोचना पड़ेगा कि बेटा ये आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, ये लायबिलिटीज हैं या ये हमारी असेट्स हैं। तो एक चीज ध्यान रखना कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं बेटा, जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं चाहे उनका कोई भी नाम हो, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, ठीक है, वो सारे की सारी हमारी लायबिलिटीज होती है। तो आपको पहले तो यही आइडेंटिफाई करना है कि ये आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्चुअल में है क्या, असेट्स है या लायबिलिटीज है। तो ये तो लायबिलिटीज है, ठीक है। अब उसको फिर हम वेरीफाई करते हैं कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी की वैल्यू कम हो रही है, मतलब लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है। अब जब लायबिलिटीज की वैल्यू कम होगी तो बेटा इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट। अभी तो बताया था बेटा कि अगर लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो जाती है तो वो फायदा होता है, और फायदे के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसका मतलब जो हमारी पहली स्टेटमेंट है ये ट्रू है, और जो दूसरी स्टेटमेंट है उसमें वो क्लियरली कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी की वैल्यू कम हो रही है और इस वजह से ये गेन है फर्म के लिए, तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसमें बेटा दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो हमारा जो इसमें आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। अब हम अगले एग्जाम्पल पर आते हैं बेटा। तो जो assertion है वो है, एट द टाइम ऑफ reconstitution ऑफ पार्टनरशिप फर्म revaluation अकाउंट इज debited with decrease in the value of salary payable by ₹5,000, और रीजन है because decrease in the value of salary payable results in a gain to the firm। तो अब यहाँ पे बेटा जो आपकी assertion है, ठीक है, जो पहली स्टेटमेंट है उसमें वो ये कह रहा है कि जब भी reconstitution होता है पार्टनरशिप फर्म का revaluation अकाउंट इज debited, debited वर्ड आ गया बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना है इस पर, विद डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ सैलरी पेबल। अब ये बेटा सैलरी आउटस्टैंडिंग का दूसरा नाम है, इसे सैलरी पेबल भी कहा जा सकता है। तो सैलरी पेबल की अगर वैल्यू कम हो रही है 5,000 से तो उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जा रहा है। तो अगेन बेटा वही बात आती है कि जब आपकी लायबिलिटीज की वैल्यू कम होती है तो वो हमारे लिए गेन होता है, और गेन के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करा जाता है, क्रेडिटेड, मतलब क्रेडिट किया जाता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। तो क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम्स ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं, तो यहाँ वो उसे डेबिट करने की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब बेटा यहाँ पर ये जो पहली स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। अब दूसरे उसमें आते हैं रीजन में, बिकॉज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ सैलरी पेबल रिजल्ट्स इन गेन टू द फर्म। तो बेटा वो तो बिल्कुल ठीक है, जब आपकी
सैलरी पेबल की वैल्यू कम हो जाती है, लाइबिलिटीज की वैल्यू कम हो जाती है, तो वो फायदा होता है फर्म के लिए। तो इसका मतलब जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो अब इस हिसाब से बेटा अगर हम नीचे ऑप्शंस पर आते हैं तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है बेटा वो आपका आंसर होगा, द असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। अब इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं बेटा, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड विद डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ सैलरी ड्यू बट नॉट पेड बाय रुपीज 5,000। रीजन बिकॉज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ सैलरी ड्यू बट नॉट पेड रिजल्ट्स इन अ लॉस टू द फर्म। तो बेटा ये जो हमारी अब दो स्टेटमेंट्स हैं, तो इसमें जो पहली स्टेटमेंट है उसमें सिंपल वो यही कह रहा है कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड, अगेन डेबिटेड वर्ड पे ध्यान देना बेटा, विद द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। तो सैलरी ड्यू बट नॉट पेड भी बेटा हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी का दूसरा नाम है। तो अब वो ये कह रहा है कि अगर आपकी सैलरी ड्यू बट नॉट पेड जो है उसकी वैल्यू कम हो रही है तो उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड हो रहा है। तो अगेन बेटा हमें क्लियर है कि जब भी लायबिलिटीज की वैल्यू कम होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इसलिए ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होगी, ठीक है। अब दूसरे उस पर रीजन पे आते हैं, तो रीजन जो है वो यही कह रहा है कि अगर वैल्यू जो है सैलरी ड्यू बट नॉट पेड की जो है कम हो जाती है तो उसकी वजह से फर्म को नुकसान हो जाता है। तो बेटा ये तो बिल्कुल ही गलत है, सीधी सी बात है, लायबिलिटीज की वैल्यू कम होती है तो वो नुकसान नहीं होता, वो फायदा ही होता है या गेन होता है। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी बेटा क्या है, फॉल्स है। तो पहली स्टेटमेंट भी फॉल्स है, दूसरी स्टेटमेंट भी फॉल्स है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर ई ये हमारा सही आंसर होगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो बेटा ये तो हमारे कुछ जो है assertion और reasoning के कुछ MCQs थे, ठीक है, किस टॉपिक पर, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ liabilities पर। अब हम अगला जो है बेटा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इसमें, फॉर रिकॉर्डिंग एंड अनरिकॉर्डेड assets। तो देखिए अब यहाँ पे बेटा अनरिकॉर्डेड assets का मतलब है कि ऐसे assets जिनका पहले से कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, मतलब वो पहले से बैलेंस शीट में उनको नहीं शो किया हुआ, पार्टनर्स को पता ही नहीं था कि ये भी हमारी assets हैं, तो सिंपल उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अब सीधी सी बात है बेटा, जब आप असेट्स रिकॉर्ड करोगे तो असेट्स की वैल्यू बढ़ेंगी, मतलब टोटल असेट्स जो है वो बढ़ती हैं, तो ये हमारे लिए क्या होता है, फायदा ही होगा, ठीक है। और अब वही बात आती है कि जब हम असेट्स को रिकॉर्ड करते हैं तो असेट्स बढ़ती हैं, और असेट्स के लिए एक रूल होता है बेटा कि अगर असेट्स इंक्रीज होती हैं या उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है तो एंट्री में हम असेट्स अकाउंट को डेबिट करते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये जो है गेन है फर्म के लिए, तो गेन के लिए बेटा फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इसलिए इसकी जो जर्नल एंट्री है बेटा वो हमारी बनती है अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो इसलिए अनरिकॉर्डेड असेट्स हैं बेटा वो तो आपकी डेबिट होंगे, और वहीं पर जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो गेन हो रहा है तो उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो अब हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं बेटा। तो एग्जाम्पल में क्या होगा कि ये सीधा आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, नीचे एडजस्टमेंट दे रखी होगी, ऊपर बैलेंस शीट वगैरह में कोई उसकी डिटेल नहीं है, और नीचे इन्फॉर्मेशन में वो कह देगा देयर इज एन इन्वेस्टमेंट्स, ब्रैकेट में कह रहा है बेटा नॉट मेंशन इन द अबव बैलेंस शीट, ब्रैकेट क्लोज, वैल्यूड एट रुपीज 20,000 फुल स्टॉप, इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। तो देखिए ये जो बेटा इन्फॉर्मेशन है इसमें वो क्लियरली कह रहा है कि एक इन्वेस्टमेंट्स है जिसकी कोई भी मतलब डिटेल हमारी बैलेंस शीट में नहीं है, मतलब पहले से कोई रिकॉर्ड नहीं है, और उसकी जो वैल्यू है बेटा वो 20,000 लगाई गई है और अब हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, रिकॉर्ड करोगे तो सीधी सी बात है बेटा टोटल एसेट्स बढ़ेंगी, टोटल एसेट्स बढ़ेंगी तो फायदा होगा, ठीक है, और फायदा जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। तो इसकी जो जर्नल एंट्री है बेटा वो हमारी बनेगी इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट या टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और अमाउंट होगा आपका 20,000। तो जरा एंट्री पे बेटा आप ध्यान देना कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। जहां तक इसके ट्रीटमेंट की बात है तो बेटा अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे शो किया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स होती है तो आप उसे रिकॉर्ड करोगे तो उससे टोटल असेट्स बढ़ेंगी, टोटल असेट्स बढ़ती हैं तो फायदा होता है, और जो भी फायदा होता है बेटा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ आता है, क्रेडिट साइड पे। तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हम बाय इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट करके जो है बेटा 20,000 लिखेंगे, और उसके बाद जो बैलेंस शीट है बेटा नई बैलेंस शीट होगी वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट जो है 20,000 से शो करनी पड़ेगी। तो ये जो ट्रीटमेंट है बेटा ये हमारी अनरिकॉर्डेड असेट्स की थी। अब इसी के बेस पर बेटा हमारे कुछ MCQs बन जाते हैं।
तो अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला एमसीक्यू है बेटा, इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म द एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट विल बी, फर्स्ट ऑप्शन है डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड क्रेडिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सेकेंड ऑप्शन है डेबिट रिवैल्यूशन अकाउंट एंड क्रेडिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सी ऑप्शन है डेबिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड क्रेडिट रिवैल्यूशन अकाउंट, और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो देखिए बेटा, जब इस तरीके से क्वेश्चन आता है आपका, तो जो जर्नल एंट्री बनेगी, ठीक है, आप जर्नल एंट्री पे ध्यान दीजिए, तो एंट्री बनेगी हमारी इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूशन अकाउंट या फिर टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जहां तक हम ऑप्शंस की बात करते हैं, तो बेटा ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही आंसर है, डेबिट इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट एंड क्रेडिट रिवैल्यूशन अकाउंट, मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा और रिवैल्यूशन अकाउंट क्रेडिट होगा, यही इसका सही आंसर है बेटा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू पर आते हैं। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म देयर इज सम अनरिकॉर्डेड एसेट्स, इट विल बी फिल इन द ब्लैंक से बेटा डॉट 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 टू डॉट 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 अकाउंट। अब वो ये बात आ रही है बेटा कि अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स होती है, ठीक है, तो अब जर्नल एंट्री पर आप पहले ध्यान देंगे, ठीक है, तो जर्नल एंट्री होती है हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट या टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जो नीचे ऑप्शन है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, डेबिटेड है पहला ऑप्शन डेबिटेड रिवॉल्यूशन, सेकेंड ऑप्शन है क्रेडिटेड रिवॉल्यूशन, थर्ड ऑप्शन है बेटा आपका डेबिटेड गुडविल, और लास्ट ऑप्शन है क्रेडिटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगर हम रिवॉल्यूशन की ही बात करते हैं, तो बेटा सीधी सी बात है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स रिकॉर्ड करोगे तो ये रिवॉल्यूशन अकाउंट में कहाँ दिखाई जाती है, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया कि बेटा जब भी गेन होता है, ठीक है, इस तरीके से असेट्स को रिकॉर्ड करने पे हमारा कोई जो गेन होता है वो आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट में हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है क्रेडिटेड और रिवॉल्यूशन, बेटा ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू पर आते हैं बेटा। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म देयर इज सम अनरिकॉर्डेड असेट्स, इट विल बी डॉट 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 टू डॉट 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 अकाउंट, और ऑप्शन नंबर ए है आपका डेबिटेड और अनरिकॉर्डेड असेट्स, ऑप्शन नंबर बी है डेबिटेड रिवॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी है डेबिटेड गुडविल, ऑप्शन नंबर डी है क्रेडिटेड पार्टनर्स कैपिटल। तो अब देखिए यहाँ पर बेटा अगेन आपको जो ध्यान रखना है कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स होती हैं, तो हमारे सामने जो आंसर की बात आ रही है, तो जर्नल एंट्री पहले आप सोचेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, तो यहाँ पे अनरिकॉर्डेड एसेट्स को हम डेबिट करते हैं और रिवॉल्यूशन को क्रेडिट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बेटा डेबिटेड वर्ड और अनरिकॉर्डेड एसेट्स, यही फिट हो रहा है, क्योंकि बाकी के अगर आप ऑप्शंस पे ध्यान दें तो डेबिटेड और रिवॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो देखिए रिवॉल्यूशन तो डेबिट होता नहीं, वो तो क्रेडिट होता है, गुडविल की तो बात ही नहीं आएगी जो दूसरे ऑप्शन में है, और तीसरा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात कर रहा है तो वो भी नहीं आएगा। तो मतलब हमारा जो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए डेबिटेड और अनरिकॉर्डेड एसेट्स, बेटा यही हमारा जो है सही आंसर है। अब इस ये तो हमारे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन थे बेटा, तो अब हम इसके बाद इस पर जो थोड़े से हमारे असर्शन और रीजनिंग के जो एमसीक्यूज बनते हैं अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला एग्जांपल है बेटा अब हमारा इसमें वो है आपका असर्शन में अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर क्रेडिटेड टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, और रीजन जो है because when unrecorded assets are recorded total assets increase which results in gain to the firm, और वही बेटा हमारे सामने पांच options हैं A, B, C, D और E करके। तो जो पहली statement है बेटा पहले हम उसको check करते हैं, unrecorded assets are credited to revaluation account, तो अब वो ये कह रहा है कि unrecorded assets को जो है हम revaluation account में credit करते हैं या revaluation account में credit side पे show किया जाता है, तो बेटा ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो हमारी जर्नल एंट्री होती है वो होती है अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट होता है, गेन के लिए रिवॉल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट ही किया जाता है। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट जो है बेटा बिल्कुल ट्रू है। अब हम रीजंस की बात करते हैं,
तो जहां तक रीजंस की बात करते हैं तो बेटा यहाँ पे उसने रीजन ये बताया कि जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, टोटल एसेट्स बढ़ती हैं जो कि एक तरीके से गेन होता है फर्म के लिए। तो बेटा ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जब आप असेट्स रिकॉर्ड करोगे तो टोटल असेट्स ऑब्वियसली बात है बेटा बढ़ेंगी बढ़ेंगी और उससे फायदा ही होगा। तो इसका मतलब स्टेटमेंट आपकी जो पहली स्टेटमेंट है assertion, वो भी ठीक है और आपका रीजन जो है सेकंड स्टेटमेंट वो भी ठीक है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए होगा, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion ए। अब हम नेक्स्ट उस पे आते हैं बेटा एग्जाम्पल पे। तो assertion जो है अनरिकॉर्डेड assets आर डेबिटेड टू revaluation अकाउंट। रीजन when unrecorded assets are recorded, total assets increase, which results in gain to the firm. तो बेटा अब यहाँ पर जो है पहली स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। पहले वो कह रहे हैं कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब जब हम अनरिकॉर्डेड एसेट्स मतलब जब भी हमारे अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमें पता चलती है तो हम उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे शो करते हैं या रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो जो जर्नल एंट्री है बेटा आप उसको फिर दोबारा से ध्यान में लाइए, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बेटा क्रेडिट होता है, डेबिट नहीं होता। तो इसका मतलब ये जो पहली स्टेटमेंट है ठीक है, ये जो पहली स्टेटमेंट है बेटा ये आपकी फॉल्स है। और दूसरी स्टेटमेंट पे जाते हैं तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर रिकॉर्डेड, टोटल एसेट्स बढ़ती हैं और उसकी वजह से फर्म को जो है गेन होता है। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है बेटा वो ट्रू है। तो पहली स्टेटमेंट बेटा फॉल्स है और दूसरी स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर जो है वो होगा डी, मतलब जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, द assertion इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं बेटा। अनरिकॉर्डेड assets आर क्रेडिटेड टू revaluation अकाउंट, ये assertion है हमारी और रीजन कह रहे हैं बिकॉज when अनरिकॉर्डेड assets आर recorded, टोटल assets इंक्रीज विद which results इन लॉस टू द firm। तो देखिए वही पांच ऑप्शन दे रखे हैं हमें ए बी सी डी ई, और अब हम जरा स्टेटमेंट्स पे ध्यान देते हैं। तो बेटा जो पहली स्टेटमेंट है अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अब पहले आप जर्नल एंट्री रिकॉल करेंगे ध्यान में लाएंगे तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है बेटा क्रेडिट हो रहा है, तो इसका मतलब जो आपकी पहली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है। दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं तो टोटल एसेट्स बढ़ती हैं जिसकी वजह से फर्म को लॉस हो जाता है, बेटा ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया ठीक है। यहाँ पे क्लियर सी बात है कि जब आपकी टोटल एसेट्स बढ़ेंगी तो ये फायदा ही है ठीक है और ये नुकसान नहीं है। तो इसका मतलब जो रीजन है वो क्या है बेटा आपका फॉल्स। तो अब यहाँ पर जो पहला assertion है पहली स्टेटमेंट तो ट्रू है बट जो रीजन है वो फॉल्स है। तो इसके हिसाब से बेटा जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, द assertion इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। इसके बाद बेटा नेक्स्ट उसमें एग्जांपल पे आते हैं। assertion है हमारी अनरिकॉर्डेड assets आर डेबिटेड टू revaluation अकाउंट, रीजन है बिकॉज when अनरिकॉर्डेड assets आर recorded, टोटल assets इंक्रीज which results इन लॉस टू द firm। और वही बेटा हमारे सामने पांच ऑप्शंस हैं ए बी सी डी ई करके ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको जो ध्यान देना बेटा वो क्या है कि जो पहली स्टेटमेंट है वो ये कह रहे हैं कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो पहले आप जर्नल एंट्री सोचेंगे बेटा, जर्नल एंट्री मैंने आपको बताई थी अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए लेकिन ये कह रहा है कि डेबिट हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो पहली स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। दूसरी स्टेटमेंट में आते हैं, वो कह रहे हैं कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं और टोटल एसेट्स बढ़ रही हैं जिसकी वजह से फर्म को लॉस हो रहा है, बेटा ये भी स्टेटमेंट क्या है हमारी फॉल्स है। तो मतलब दोनों ही स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। तो जहां तक आंसर की बात रहेगी तो बेटा ये ऑप्शन नंबर ई रहेगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो देखिए बेटा ये जो हमारे assertion और रीजनिंग वाले MCQs हैं बहुत ही आसान है, लेकिन इसके लिए जो है ना बस वही बात है लॉजिक्स को पकड़ो आप, सबसे बड़ी बात है लॉजिक्स। जब आपके लॉजिक्स क्लियर रहेंगे, रूल्स आपको ध्यान में रहेंगे ठीक है, आप उसको ध्यान रखेंगे और फिर मेन बात, सबसे बड़ी मेन बात बेटा कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है तो उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है, तो जल्दबाजी में उसमें आंसर नहीं देना। तो जो भी है बेटा आपको जो है उसका आंसर जो है बहुत ध्यान से पढ़ना है और वहाँ पे डेबिटेड वर्ड लिखा है या क्रेडिटेड वर्ड लिखा है, हमेशा आप
जो है स्टेप बाय स्टेप चलिए, आप उसकी जर्नल एंट्री दिमाग में रखिए। जर्नल एंट्री आप ध्यान रखते हैं तो उससे आपके आधा तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा कि बेटा इसमें होना क्या है, और फिर आप उसके बाद उसको ढूंढ कर उसके अंदर कौन सा आपका ऑप्शन बेस्ट है या कौन सा सही है बेटा, वो आपने सिलेक्ट करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आया होगा और काफी हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट भी दीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं थोड़े थोड़े टाइम बाद बेटा इसी पर जो है और भी वीडियोस जो है मैं अपलोड करने वाला हूँ, और पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि बेटा मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में तो बेटा बस अभी आज इतना ही, फिर बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। बाय बाय।